फ्रेंड्स, मैं नीलम स्टिचिंग एंड ब्यूटिशियन में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए देखो बाल झड़ने का हम बहुत अच्छा तरीका लेके आई हूँ। दोस्तों, आप बाल झड़ रहे हैं, बालों में डैंड्रफ है, बालों में चमक नहीं है, तो घबराने की कोई बात नहीं। आज मैं बहुत अच्छा आप लोगों को देखे आई हूँ लेके। ओके, अब जैसे ये एलोवेरा है, एलोवेरा को हम ऐसे छील लेंगे। एलोवेरा हमने ऐसे छील लिया। हमें ये छील लिया, ऐसे इसका निकाल लेंगे। ओके दोस्तों, ऐसे एलोवेरा को छील लेंगे और पहले तो इसे हम ऐसे करके मिक्स कर लेंगे। इसको हमने ऐसे मिक्स कर लिया। अब इसमें हम डालेंगे दही, एक चम्मच ये दही डालेंगे। और उसके बाद देखिए कोकोनट ऑयल, हमें जब हमारा ये बन जाएगा हमें ऑयल भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। अब हम इसको बाल पहले शैम्पू से धो लेंगे, थोड़ा सा बाल सूख जाए तो उसके बाद हम ये बालों को लगाएंगे। अभी हमारा तैयार हो गया है, अब हम बालों में लगाने की ऐसे पूरे बालों में, पूरा जड़ में मिला मिला के पूरे बालों में लगा लें। अच्छे तरीके से हमने बालों में मिक्स कर लिया है। इस तरह हम आधे घंटे तक इसको छोड़ देंगे, लगा रहने देंगे। दोस्तों, बालों में अच्छी तरह लगा के और आधा एक घंटा तक छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद में बालों को अच्छी तरह पानी से धो लीजिए। धोने के बाद फिर देखिए आपके बालों में कितना आपका बाल मुलायम हो जाएगा। दोस्तों, हफ्ते में एक बार ऐसे जैसे शैम्पू से धो लीजिए और कभी पानी से धो लीजिए, हफ्ते में 2-3 बार बाल धोने ही चाहिए। और फिर उसके बाद ये दही और एलोवेरा और नारियल का तेल, चाहे तिल का भी तेल आप मिला सकते हो। ऐसे करके बाल जब भी आप धोएंगे, जब आप यूज करोगे, धोओगे,
लगाओगे, फिर उसके बाद आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ बाल कैसे रेशमी और मुलायम हो जा रहे हैं और झड़ने भी बंद हो जाएंगे। दोस्तों, मुझे विश्वास है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों हाँ, एक बात है, एलोवेरा जब भी तोड़ें और उसे 5 मिनट के लिए उसे उल्टा रख दें, जो उसमें पीला पीला पदार्थ निकलता है वो निकल जाए। उसके बाद फिर एलोवेरा धो के और छील के उसे यूज करिए, वही फ़ायदा करेगा। ओके दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली आगे वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।